और सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ किशन सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं, जो क्षेत्र के दौरे पर हैं और पंकी नदी के पार हैं। तो सर, अभी आप बाढ़ प्रभावित और नदी कटाव एरिया देखने के लिए आए हैं, तो क्या क्या देखे? और पिछले कुछ दिनों से आप वैसी अमोर इलाके में भी थे, जिला जी के हालात के बारे में थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चार महीने के बाद बारिश शुरू हो जाएगा और हमारे तरफ नदी नाला बहुत ज़्यादा है, तो कटाव का भी बहुत समस्या, खास करके पिछले दो तीन साल से फ्लड कर आ जाता है पानी ऐसा ही, जिससे कटाव और कब्रिस्तानें कई चली गई, स्कूल चली गए, मंदिर गांव बहुत कुछ गुजर गए, सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट में भी स्पेशल टाइम लेके हमने कुछ गांव का नाम तक दर्शाया और अपील किया कि भाई आप जल्द से जल्द उसको आप शुरू करें और जो टाइम फ्रेम आपने उसको तय किया है उसको शॉर्ट करिए, ताकि जब तक आपका बनेगा तब तक हमारा सब उजर ही जाएगा, तो उतना फ़ायदा नहीं है। ये आखिर इस समस्या का हल नहीं निकलने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आप तो बहुत लंबे इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नदी नाला ठीक है, हमारा बिहार सरकार भी बहुत अफसोस की बात है, इस बार बहुत अच्छा मौका मिला था, हम लोग की सरकार बनती यहाँ पे तो काम आसान होता, लेकिन इस बार हमने फिर से बीजेपी को मौका दे दिया और सेंटर में भी मोदी सरकार है, आप जानते हैं कि वो पतियों का ज़्यादा ध्यान है उनको और काम वाम में थोड़ा कम है, लोगों के हित में जो काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं डीएम से। अभी भी गांव में बैठ के हमने जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है इस विभाग का, उससे बात की है, उससे पूछा भी किया, तो ये एस्टिमेट वगैरह किया हुआ है, यहाँ से रिक्वेस्ट किया हुआ है बिहार सरकार को और उसी चिट्ठी के आलोक में हम दोबारा चिट्ठी लिखेंगे मिनिस्टर साहब को कि ये सब हमारे गांव और समाज को बचाने की ज़रूरत है और हम अपील करेंगे कि इसमें पैसा जल्द से जल्द भेजें ताकि बरसात से पहले। लोगों का कहना है कि डॉक्टर जावेद साहब लगातार चिट्ठी पत्री करते रहते हैं, हर एक विभाग से मिलते रहते हैं, मंत्री से मिलते रहते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ज़मीन पर काम हो, तो क्या अब तक आपका जो भी अब तक का जो आउटपुट है इलाके में कहाँ कहाँ इनकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में? अब प्रोजेक्ट तो मैं दिमाग में लिए नहीं घूमता हूँ, अगर मेरे ऑफिस में भेजिएगा जितना पीएमजेएसवाई का अभी भी टेंडर वगैरह प्रोसेस में है, हमारे बहादुरगंज में 6 पुल बनने वाले हैं, टेढ़ागाछ में 5 निर्माणाधीन है, ऑलरेडी निर्माणाधीन है, तो काम तो है ही है। अब ये है कि दूसरों की तरह हम अपना मुंह ज़्यादा बजाना नहीं पसंद करते, काम होगा लोगों को फ़ायदा होगा, है ना? मतलब हम किशन सांसद अपने काम की गिनती नहीं कराते हैं, उनका काम बोलता है, ये कहना है। मेरा मतलब ये है कि काम हो, पब्लिक को फ़ायदा हो, वो ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्पत उसकी चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे होलिया घाट के पास हैं, ये निसुंदरा पंचायत का और आगे कोचा धामन का है, स्कूल यहाँ लंबे अरसे से मांग है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी में हैं और खाली होलिया कट रहा है, तो कुछ लोगों को एश्योरेंस मैं हमेशा ये देता हूँ कि जितना हमसे हो पाएगा भरपूर करें। अभी जैसा मैंने बताया कि 6 पुल सैंक्शन है और टेंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह काम भी शुरू होगा, टेढ़ागाछ में है, तो उसके अलावा हम लोग और भी कई पुलों का लिख के दिए हैं और हम लोग कोशिश रहेगी कि उनका भी जल्दी काम शुरू हो पाए, टेंडर प्रोसेस में आए, ताकि हमारे लोगों को राहत मिल सके। तो आगे हम लोग और भी बात करेंगे पथरगट्टी वगैरह माली टोला के बारे में और मुसल डंगा के बारे में, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे। आज पहली बार किशन सांसद आज से रूबरू हो रहे हैं है और मुसल डंगा वालों के लिए बड़ी खबर है जो किशन सांसद खुद देना चाह रहे हैं। ये आप लोग को याद होगा कि महानंदा बेसिन की जब बात चली तो इस साल हम लोग को यहाँ से काम शुरू होने वाला है और रतवा नदी के नेपाल बॉर्डर से लेके 33 किलोमीटर नीचे तक, जो लगभग यहाँ
खारी टोला इस्लामपुर इस्लामपुर तक जो मेरी जानकारी है जो कंगे नदी में मिलती है, हाँ 33 किलोमीटर एक तरफ 33 किलोमीटर दूसरी तरफ जो मेरे नॉलेज में कहाँ तक पहुँचती है वो इंजीनियर बता पाएंगे, और इसका काम कभी भी शुरू हो सकता है। और इसके हो जाने के बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक तरफ से बाकी नदियों में भी बांध बन सके, ताकि हम लोग का जो हर साल तबाही होती है इससे निजात पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर आप इस्लामपुर गए थे और यहाँ आए थे और अपने देखा वो ये तबाही का जो आलम, तबाही का आलम तो भाई जो गांव में रहता है या इस तरह के कटाव वाले गांव में रहता है उसका नहीं जानते हैं। हम हर जगह कई लोगों का घर बारी सब कट के अलग हो गया, सड़क पे जिंदगी बितानी पड़ रही है, इसीलिए बार बार चार बार मसले को हम लोग उठा रहे हैं। एक जगह लंच का प्रोग्राम था नेपाल में, वहाँ पे हमने फोन करके पूछा कि भाई कब तक शुरू होगा, क्योंकि हमारे जानने से ये अक्टूबर नवंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकल बचा हुआ है जिसके वजह से काम शुरू नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि बरसात से पहले हम लोग को निजात मिल सके। किसान सांसद रोजे से हैं आज, फिर भी हम वो वक्त दे रहे हैं और लगे हाथों हम ये पूछना चाहेंगे, पत्थरगट्टी का जो मामला है वो बड़ा कंटेंजियस, उसके अलावा मालिकला मटियाड़ी का भी मामला है, तो थोड़ा सा उस मुद्दे पर भी आप अगर वहाँ जनता को ब्रीफ करना चाहें। तो ब्रीफ यही करना है कि जहाँ भी जो मसला हो, चाहे कटाव का मसला हो, चाहे स्कूल और सड़क का मसला हो, कॉलेज का मसला हो, स्कूल का मसला हो, रेलवे का मसला हो, या पुलिस से लेके कोई मसला हो, हर बात को हम उठा रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, आप कॉलेज खोलिए, हर ब्लॉक में कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और एक टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, HRD मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को भी AMU में जो 137 करोड़ जो UPA के वक्त में सैंक्शन हुआ था जिसमें से अभी तक सिर्फ 10 करोड़ ही दिया गया, वो भी शुरुआत में हम लोग के वक्त 7 साल हो गए अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया, उस पर भी हमने कई बार पहले भी लिखा था, इस बार भी लिखा है। प्रधानमंत्री का एक्नॉलेजमेंट भी आया है और HRD मिनिस्टर का एक्नॉलेजमेंट भी आया है, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी राशि आए ताकि हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, अच्छे से अच्छी तालीम हमारे सिकंदर में। कई और रतुआ के लोगों को जल्द राहत मिलेगी इससे, रतुआ में बन रहा है 33 किलोमीटर इधर 33 किलोमीटर इधर, बाकी नदियों के बारे में हम लोग कोशिश में है, अंडर प्रोसेस रतुआ में हमें जानकारी है कभी भी शुरू होती है। और ऊपर जो नदी की धारा जो निकल आई है उसको लेकर के लोग बहुत परेशान है, लगभग 20-25 लोग, हाँ वहाँ के लोगों का रिक्वेस्ट था कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम निजात मिल जाए। आपने बलवा डांगी का जो इशू है, मैं 3 दिन पहले गया था, लोगों के पास एक दूर तक जमीन नहीं है या वो कुछ सबसे ये सतमेरी का भी यही हाल है। देखिए 9 तारीख को पूर्णिया में भी मीटिंग हुआ दिशा का, तो उसमें मनरेगा से स्कूल के बाउंड्री वगैरह बन रहे हैं, हमने वहाँ सुझाव दिया कि आप ठोकर भी लगाइए, क्योंकि जब 2000 में मैं MLA था उस जमाने में हम लोग कुछ भी कर सकते थे, ठोकर से कई गांव हमने बचाए और किशनगंज जिला में भी हमने दिशा में भी उसके अलावा भी कई मर्तबा DM को कहा है कि मनरेगा का पैसा कुछ कुछ जहां जहां नदी है वहां अगर ठोकर हम लगाएं तो मुझे उम्मीद है कई गांव बच जाएंगे। और यही नहीं, इस डिपार्टमेंट का मैं मेंबर हूं पार्लियामेंट में, वहां भी हमने जो इंडिया का सेक्रेटरी होता है उनको कहा है कि आप मनरेगा में ये ऑप्शन दीजिए ताकि सरकारी जो भी फंड होता है, एक तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आते आते बहुत समय भी लग जाता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार की भी लिमिटेशन होती है, लेकिन मनरेगा के तहत हम लोग बहुत ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं और मेरा यकीन है कि अगर उसका सही उपयोग करेंगे तो 90% जो हमारा तकलीफ है वो दूर है। और एक मुद्दा है यहाँ पे बिशनपुर पावर हाउस है, सिर्फ बीच में नदी बहती है और ये जो पूरा पंचायत है निशंद्रा या फिर और बाकी पंचायत है, अगर इसको इधर से जोड़ दिया जाए
24 घंटे इन लोगों को बिजली मिले। तो अगर हमें आवेदन मिलेगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे, एग्जीक्यूटिव को कहेंगे कि भाई कनेक्शन इन लोग का दुरुस्त किया जाए। और अमर भाई